हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दी क्वेश्चन इज लेट बीटा बी अ रियल नंबर। कंसीडर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू बीटा 0 1 2 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2। इफ ए टू द पावर 7 माइनस बीटा माइनस 1 इनटू ए टू द पावर 6 माइनस बीटा इनटू ए टू द पावर 5 ये सिंगुलर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ 9 बीटा इज। सो अभी इस क्वेश्चन के की कांसेप्ट के बारे में बात करें तो यहां पे की कांसेप्ट क्या है हमें एक चीज पता होना चाहिए। हमसे क्या बोला है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, पहले इसके बारे में जानते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है जिसका जो डिटरमिनेंट होता है, लेट्स ए हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए थ्री यहाँ पे इसको हम एक्स मान लेते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई एक्स मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट है इक्वल टू 0 आना चाहिए, वो हो जाएगी हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो अब इसका यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सो यहाँ पे अभी देखो जो हमारा ए है, ए दे रखा है, उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा हमारा, ए का डिटरमिनेंट अगर निकाले तो बीटा इंटू बीटा इंटू 1 कॉमा माइनस 2 माइनस माइनस 2 इंटू 1, तो यहाँ पे सेम होगी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे तो माइनस 0 और प्लस 1 इंटू 2 माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या निकल के आ रहा है हमारा, माइनस ऑफ 1। अब यहाँ पे जो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो तो आ गया माइनस, तो अब क्या करना है ये देखो, यहाँ पे जो ये वाली दे रखी है इक्वेशन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ये क्या आएगी हमारी, इसको देखते हैं क्या दे रखी है, ए टू द पावर 7 माइनस बीटा माइनस 1 इंटू ए टू द पावर 6 माइनस बीटा इंटू ए टू द पावर 5। अब ये हमें करनी है 0 के इक्वल इसका डिटरमिनेंट। तो अब यहाँ पे अगर ए टू द पावर 5 को हम कॉमन लेते हैं इस पूरे में से, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इंटू ए माइनस बीटा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो हमने ये कॉमन लेके यहाँ से ये लिख दिया, यहाँ पे आएगा डिटरमिनेंट। अब इसके लिए प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पे ये वाला एक तो दो कंडीशन है, एक तो ये 0 की फुल या फिर ये 0 की फुल, जो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। अब जो हमारा ए टू द पावर 5 वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये 0 के इक्वल नहीं हो पाएगा क्योंकि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो है माइनस 1 के इक्वल, तो ये वाली कंडीशन इज नॉट इक्वल टू 0 आने वाली है। तो जब इसको इक्वल टू 0 करके प्रूफ करेंगे हम, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इंटू ए माइनस माइनस क्या है हमारा बीटा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 है। अब जब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें थोड़ा तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बीटा इंटू ए प्लस ऑफ ए माइनस बीटा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 है। अब अगर मैं यहाँ से ए, यहाँ से अगर ए कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, ए माइनस बीटा प्लस यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, ए माइनस बीटा इंटू आई तो है ही यहाँ पे, तो ये सेम हो जाएगा। यहाँ से जब इनको कॉमन लूंगा, ए माइनस बीटा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि कॉमन लिया से, तो ये बचेगा ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कॉमन ले गया, तो ये बनते जितने वन होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो ये होगी सिंप्लीफिकेशन इसकी। अब यहाँ से ये इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे अब दो केस हो रहे हैं हमारे। एक केस क्या बनेगा, जब हमारा ए प्लस आई इज इक्वल टू 0 होगा, और दूसरा क्या, ए माइनस बीटा इंटू आई इज इक्वल टू 0 होगा। जो हमारे पास, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास ये है, एक तो ये कंडीशन और एक ये कंडीशन, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बीटा इंटू आई इक्वल टू 0 या फिर ए प्लस आई का डिटरमिनेंट 0। अब यहाँ से जो पहली कंडीशन थी हमारी, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर करें, अगर मैट्रिक्स निकालने हम डिटरमिनेंट की, तो बीटा 0 1 2 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा, बीटा प्लस 1 और यहाँ पे क्या है 0 1 0 1 और यहाँ 2 1 माइनस 2 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 माइनस 1, क्योंकि हमने क्या करा, ए मैट्रिक्स में हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी को ऐड कर दिया। अब इसको अगर डिटरमिनेंट देखें हम, तो यहाँ से डिटरमिनेंट क्या निकल के आएगा इसका, बीटा प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस ये सेकंड वाली 0 रहेगी, प्लस 1 करूंगा तो यहाँ से क्या आएगा,
-6, तो अब ये क्या निकल के आ रहा है हमारा यहाँ से, तो यहाँ से ये निकल के आ रहा है -4, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, ए प्लस आई का डिटरमिनेंट तो 0 नहीं है, तो यहाँ से जो हमारा सेकंड केस है, ए माइनस बीटा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, ये वाला केस 0 होगा। तो जब इसकी मैट्रिक्स हम निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से ए माइनस बीटा इंटू आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 आने वाला है। तो यहाँ से अब सो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से डिटरमिनेंट, तो ए माइनस बीटा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आएगा, ए में पहले यहाँ स्टार्टिंग बीटा है, तो बीटा माइनस बीटा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 1। अब डायगनल मैट्रिक्स में चेंज होता है, ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा, ये -2 माइनस बीटा और ये है 0 के इक्वल। तो यहाँ से जब बीटा की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगी, तो 1 माइनस बीटा इंटू 3 इज इक्वल टू 0, ये है। सिंपलीफाई करते हैं इसको, 2 माइनस 3 प्लस ऑफ 3 बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हमारी 3 बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, बीटा की वैल्यू आएगी हमारी 1/3। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखो, यहाँ से पूछी गई हमसे 9 बीटा की वैल्यू, तो जो 9 बीटा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इंटू 1/3, जो कि आएगी हमारी 3 के इक्वल। सो 3 हो जाएगी इस क्वेश्चन का आंसर, तो 9 बीटा इज 3। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।